इस वक्त हम चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में हैं। टैगोर थिएटर और चंडीगढ़ के रंगमंच का सफ़र एक साथ चलता रहा है। हालांकि टैगोर थिएटर काफ़ी बाद में आया, चंडीगढ़ में थिएटर काफ़ी पहले से ही शुरू हो गया था। आज की लैंडस्केप चंडीगढ़ की इस निशस्त में हम चंडीगढ़ में थिएटर के सफ़र पर ही बात करने वाले हैं। किस तरह से चंडीगढ़ में थिएटर की शुरुआत हुई, शुरुआत में जिन लोगों ने चंडीगढ़ को अपना घर बनाया उनमें या तो इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी थे, या फिर विभाजन की त्रासदी झेल कर आए रिफ्यूजीज। इन लोगों ने ही यहाँ पर थिएटर की शुरुआत की। शुरुआती थिएटर यहाँ पर शुरू हुआ, लेकिन उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन करना था। 1954 में एक्चुअली यहाँ पर छोटी मोटी गतिविधियाँ शुरू हो गई थी, लेकिन हमें नहीं इतना पता था। यहाँ आकर के तो पता चला कि कुछ नाटक होते हैं यहाँ पे, जैसे कुछ लोग थे यहाँ पे, चंपा मंगत आए थे जी, और यूली चौधरी थी, और एक स्नेह पंडित थी यहाँ पे, हाईकोर्ट में उनको काम करते थे। ये नाटक तो करते थे, लेकिन नाटक स्वदेश नहीं होते थे, एंटरटेनमेंट के लिए होते थे, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए, क्योंकि लोग आए थे लाहौर से जी, और लाहौर एक कल्चरल सिटी थी। मन में था, उनके भी होता होगा कि ये भी कल्चरल सिटी बने, लेकिन कल्चरल सिटी कैसे बने, ऐसे इक्का दुक्का प्रयासों से तो नहीं होगा। बिल्कुल, एक मूवमेंट के तौर पर कैसे शुरू करना है, ये संभवतः ये भी नहीं था। चंपा मंगत राय, यूली चौधरी और स्नेहा पंडित, ये उस वक्त की एलीट क्लास के कुछ बड़े नाम थे, और इन्होंने ही यहाँ पर थिएटर की शुरुआत की थी। हालांकि इनका थिएटर एक खास वर्ग के लिए होता था, एक एलीट क्लास के लिए होता था, और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन करना होता था, लेकिन शुरुआत निश्चित तौर पर इन तीनों महिलाओं ने ही यहाँ पर की। यूली चौधरी जो थी वो हास्य व्यंग्य के नाटक किया करती थी अंग्रेजी, वो तो महज आर्किटेक्ट थी, आर्किटेक्ट थी, और यूनियन कॉलेज का जो हॉल था उसमें ही मोस्टली उनके नाटक होते थे। अच्छा, तो वो मेन पर्पज मनोरंजन का रहता, मनोरंजन के लिए होता था, और मनोरंजन बड़े लिमिटेड ऑडियंस के लिए, जान पहचान के लोग, अपने प्रोफेशन के लोग, जनता के लिए तो कुछ नहीं था। लोगों को शायद उनका पता नहीं था कि ये एक्टिविटी कभी शुरू हो सकती है या नहीं हो सकती जी। इस तरह स्नेह पंडित जो थे वो डबल भाषा वाले जो नाटक होते, डबल मीनिंग दिया थी, मीनिंग उसमें ज़्यादा रुचि थी, क्योंकि उसका अपना कुछ दायरा इस तरह का होगा, इसी तरह की उनकी अपनी ऑडियंस थी जी, तो उसके लिए करते थे। आम लोगों को पता नहीं होता, कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जहाँ लोग इकट्ठा होकर के एक साथ नाटक देखते, या कोई नाटक अगर कोई पब्लिसिटी होती हो, ऐसा कुछ नहीं था। अखबार में भी नाम बाद में आता था कि ये नाटक वहाँ पर हो गया, लेकिन लोग इतने आकर्षित नहीं थे। लेकिन एक बात ये हुई कि शुरू से ही लगभग चार भाषाओं में नाटक कहीं ना कहीं होते थे जी, हिंदी में भी, पंजाबी में भी, और संस्कृत में भी। संस्कृत में इसलिए वो भगवत जी को मुझे बात याद आती है कि अनुवाद के तौर, और उर्दू के चेकों के बहुत सारे प्ले जो थे, जैसे दो प्ले चंपा मंगत राय ने किए जी, और वो किए कहाँ, किरण थिएटर की जो स्टेज थी, और इसकी स्टेज आपने देखी नहीं होगी, स्टेज स्लो में थी, वो पता नहीं कैसे बनाते होंगे, हमने तो ये नाटक देखा नहीं था। और एक नाटक उन्होंने जो किया पुरानी बोतलें, पुरानी बोतलां पंजाबी पंजाबी, और वो हॉल कौन सा था, ये हेल्थ सेंटर का। अच्छा, अभी भी ये हुआ, डेढ़ सौ बैठने के लिए थे, लेकिन यही थे। 1953 से ही चंडीगढ़ में नाटक होना शुरू हो गए, मनोरंजन उनका मकसद हुआ करता था, लेकिन सही मायने में थिएटर आंदोलन की या रंगमंच आंदोलन की शुरुआत यहाँ 1954 में हुई, और पहला स्वदेश नाटक जो कि जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क था वो 1954 में खेला गया। इस नाटक में एक अहम किरदार निभाने वाले कैलाश आहलूवालिया बताते हैं कि ये चंडीगढ़ का पहला पूर्णांक नाटक था। कोणार्क एक्चुअली ये उड़ीसा, इसमें मंदिर, तो ये कोणार्क नाटक
सूर्य मंदिर है बहुत बड़ा, और इसी को एक नाट्य लिखा जगदीश ने, डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर ने। अच्छा, उनका। हाँ, और उनका यही था कि वो पत्थर कह, पत्थर अब भी कहानी कहते हो, मतलब किस तरह से वो बना था राजा उड़ीसा को, राजा चंद्र सिंह वो इन बातों से ज़्यादा प्रभावित नहीं था, तो उसने चढ़ाई कर दी। और ये शिल्पी जो थे ये इसका निर्माण कर रहे थे, तो एक महाशिल्पी था विष्णु, जिसका नाम था, जिसका रोल मैंने किया था। अच्छा। और जो हमने किया भी वो डॉक्टर मेहंदी था, कभी आपसे बात करें वो बताएंगे कि वो ही फील वेरी प्राउड ऑफ दिस, कि वो एक उन्होंने खिड़की में से एक मंदिर का निर्माण किया था। अच्छा। मंदिर क्या था, वो पेंटिंग थी एक, तो ऐसा लगता था कि वो मंदिर सामने दिख रहा है, और ऊपर से हमने, क्योंकि उन दिनों गैजेट नहीं थे, कोई हम ये यूज नहीं कर सकते थे कुछ भी, टेप रिकॉर्डर एक होता था वो भी बड़ा कम सीता होता था, उसको हर जगह ले जाना बहुत मुश्किल होता था, वो स्पूल वाला होता था, तो वो मतलब हम यूज़ नहीं कर पाते थे। तो फिर वो ऐसे जो बाहर के एक्सटर्नल साउंड जो थी उसी को लेकर के हमने वो किया, तो बहुत गिट्टियों के हमने बहुत ढेर के ढेर इकट्ठे किए, बोरियाँ इकट्ठी की, और वो ऊपर छत पर ले गए, और जब वो गिराने लगे तो ऊपर से गिट्टियाँ गिराए। पूर्णांक की प्ले था ये, तीन चार एक्ट का, पाँच एक्ट का थे, दो छोटे एक्ट थे, तो ये एक बड़ी बात थी। उन दिनों पूर्णांक तो किसी भाषा में नहीं हुआ था, हिंदी पंजाबी संस्कृत अंग्रेजी किसी भाषा में नहीं हुआ था, क्योंकि लोगों में इतनी पेशेंस नहीं थी, वो तो चाहते थे बाहर एंटरटेनमेंट एक चाहते थे, वो मिल जाती थी अपने उसमें। लेकिन ये बात जो शुरू हुई वो हमारे प्ले से शुरू हुई, कि इसमें बड़ी थॉटफुल टीम वाले प्लेस हमने चुने, तो चार साल छोटे मोटे प्ले के साथ ही ये बड़ा प्ले हमने पहली बार की, जो कि लोगों में काफ़ी इसकी धूम गई, लोगों ने रहा भी। कोणार्क सेक्टर 23 के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑडिटोरियम में खेला गया था। उस वक्त ये स्कूल नहीं था, बल्कि उस वक्त ये गवर्नमेंट कॉलेज था। इसके थिएटर में, इसके ऑडिटोरियम में ये नाटक खेला गया, और इस नाटक को देखने वालों में उस समय के गवर्नर CPN सिंह भी शामिल थे, उनकी बेटी प्रतिभा सिंह भी इस नाटक को देखने के लिए आई थी, और इसका निर्देशन जाने माने साहित्यकार डॉक्टर वीरेंद्र मेहंदी रत्ता ने किया था। सेक्टर 23 में स्कूल जो है ये कॉलेज हुआ करता था हमारा, यहीं पे लाइब्रेरी होती थी, ये सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी भी यहीं होती थी, और ट्रेनिंग कॉलेज भी यहीं होता था। अच्छा। और कोई एक एक आधा कॉलेज भी वहीं होता था वो, लेकिन मेन जो था वो यहीं हमारा कॉलेज ही था, और हॉल हमारे पास ही रहता था, हम लगभग दिन भर वहीं रहते, खाली पीट में वहीं रहते, और जब हमारा प्ले शुरू होता तो हम सारा सारा दिन, और मुझे ऐसे भी याद है कि बहुत सारी रातें भी हम वहाँ रहे और वहीं खाते थे वहीं, तो डॉक्टर मेहंदी जैसा भी बिल्कुल हमारे साथ होते थे। तो उन दिनों तो गवर्नर की बेटी होती थी प्रतिभा, गवर्नर होता था इंटर नाम CPN सिंह की बेटी होती थी प्रतिभा सिंह। अच्छा। तो वो भी साथ आई हुई थी उनकी लाइफ में। अच्छा, जो लोग देखने आए थे उनमें प्रोमिनेंट लोग थे, ये CPN सिंह थे। अच्छा, CPN सिंह पर आए थे, और ये प्रतिभा सिंह थी। अच्छा। और सेक्रेटरी से बहुत सारे लोग थे। अच्छा। क्योंकि ये एक्चुअली शुरू में जो हम प्ले करते थे वो भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे, एलिटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा। क्योंकि हमारी ऑडियंस वो होती थी जी, बहुत सारे लोग मंत्रियों के बेटे थे, दूसरे लोग थे, यही थे या सेक्रेटरी के लोग थे, तो इसलिए वो कैटर बहुत सालों तक इसी को करते रहे। कोणार्क, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये जाने माने मंदिर कोणार्क की एक दास्तान पर आधारित था। बेहद कठिन हिंदी में लिखा गया यह नाटक था, जिसको देखते हुए डॉक्टर मेहंदी रत्ता ने इसका सरलीकरण किया। न सिर्फ इसको सरल भाषा में लिखा, बल्कि इसके साथ साथ इसका नाम भी बदलकर शिल्पी का बदला कर दिया। इस नाटक में कैलाश आहलूवालिया के साथ और भी कई कलाकार काम कर रहे थे, और इन कलाकारों में एक थे भूप अग्निहोत्री, जो कि बाद में जानी मानी अभिनेत्री बनी रति अग्निहोत्री के चाचा थे। कुनार का नाम उन्होंने शिल्पी का बदला रखा,
अच्छा, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम जब रीडिंग हो रही थी, रीडिंग हो रही थी, तो एक प्रॉब्लम सामने आ रही थी कि लोग समझेंगे नहीं, एक तो हिंदी बहुत कठिन थी और वो सारे जितनी शब्दावली आर्किटेक्चर की थी वो सारी यूज़ की गई थी, उसको फिर डॉक्टर महेंद्रता ने सिंप्लीफाई किया ताकि वो लोगों को समझ आए। और फिर ये जो कोणार्क था ये भी बड़ी दूर की बात लगती थी, एब्स्ट्रैक्ट सा लगता था, इन्होंने शिल्पी का बदला, क्योंकि बदली की बात थी, क्योंकि नरसिंह ने उसने जब हमारा मान नहीं रखा तो हम अपना जो निर्मित मंदिर है हमने इसे गिरा दें जी, तो इसके लिए हमने शिल्पी का बदला। फिर ये किया हमने, पीले हाथ रस्तोगी का किया, बहुत सारे नाटक किए, तो मुझे सारी याद नहीं, कुछ लोग मुझे जरूर याद है, रघुवर तुल्ली था एक बाद में स्क्वाड्रन लीडर कहीं था, तो ये लोग सब हमारे साथ थे। महेंद्र ऋषि होता था एक, अच्छा यहाँ किसी डायरेक्टर में होते थे, अच्छा वो हमारे साथ होता था। एक रमेश कौशल होता था, अच्छा वो भी जनरल रिटायर हुआ आने से, कुछ वो लोग हैं अभी। और भूप अग्निहोत्री, अच्छा ये जो अग्निहोत्री लड़की ये जो थी रति अग्निहोत्री, रति अग्निहोत्री हाँ जी हाँ जी, इनकी इनकी भतीजी थी एक्चुअली। कोणार्क या यूँ कहिए शिल्पी का बदला चंडीगढ़ की रंगमंच की यात्रा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। डॉक्टर कैलाश आहलूवालिया और उनकी टीम ने डॉक्टर वीरेंद्र महेंद्रता और एनसी ठाकुर की रहनुमाई में यह नाटक शिमला में भी खेला। इसके अलावा और भी कई अहम नाटक यहाँ पर खेले गए। कुल मिलाकर चंडीगढ़ में रंगमंच के सफर ने इसके बाद रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी और ये सफर अभी भी जारी है, निरंतर जारी है। लैंडस्केप चंडीगढ़ की इस कड़ी में बस इतना ही। किसी और रोचक दास्तान के साथ एक बार फिर आपके साथ हम मुलाकात करेंगे। और जाते जाते एक बार फिर आपसे एक विनम्र निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। धन्यवाद।